सबसे पहले आप ये व्यू देखिए। है ना जबरदस्त व्यू। बट यहाँ तक आने के लिए आपको थोड़े पहाड़ बेलने पड़ेंगे। तो मैंने क्या ना टाइम लैप्स बनाया था नीचे से ऊपर आने का, तो कितना हाइट पे है ये, तो मैं अभी आपको वो दिखाता हूँ। ठीक है, वो देख लो जरा। सो नमस्ते गाइस, कैसे आप सब? स्वागत है आपका नए व्लॉग में। और इस व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपना हॉस्टल का स्टे। और इस हॉस्टल का नाम है द हॉस्टेलर। एंड ये है ना थोड़ा हाइट पे है, नीचे मैक्लोडगंज से ऊपर भागसू करके एक जगह है, उस जगह पे ये हॉस्टल है। एंड नीचे से ऊपर है ना वॉक करके आना पड़ता है, तो हालत ख़राब हो जाती है। दो तीन दिन स्टार्टिंग में आपको आपके पैरों की बैंड बच जाएगी, बट ट्रस्ट मी ऊपर आने के बाद अगर आपको ऐसा व्यू देखने को मिलता है ना तो सारी थकान गायब। तो आइए मैं आपको इस हॉस्टल का एक छोटा सा टूर दे देता हूँ। सो ये है हॉस्टलर, और ये जो बिल्डिंग है इसकी काफ़ी सुंदर है, आप देख सकते हैं। एंड इसके सामने ही ये कुछ सरसों के खेत हैं, तो अंदर चलते हैं ज़रा। एंड यहाँ पे रिसेप्शन है, आप चेक इन कर सकते हो। अगर कोई नहीं है रिसेप्शन पे, ऊपर ये नंबर दिया हुआ है, इस पर कॉल करके बुला लो बंदे को। यहाँ पे अगर आप जल्दी आ जाते हो या फिर आपका चेकआउट है, तो ऐसे बैग रख के आप जा सकते हैं। ये 6 बेड है। अरे वाह, थोड़ा मैचिंग हो गया मेरा ये स्वेट शर्ट भी हॉस्टल की थीम के साथ। कोई नहीं, मैंने अभी नोटिस किया। तो यहाँ पे मैंने अपना स्टे लिया था, और बेड्स आर रियली कंफर्टेबल। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये मेरा बेड है, सॉरी थोड़ा मैसी हो रखा है। तो यहाँ पे आपको एक स्टडी लाइट मिल जाएगी, एक स्विच और एक ये केस अपना सामान रखने के लिए, प्लस कर्टेन दिए हुए हैं। 6 बेड है, आप देख सकते हैं। और यहाँ से अगर मैं कर्टेन हटाऊँ तो इस बेड से बाहर का व्यू दिखता है, तो मैं अभी बाहर जाके दिखाता हूँ आपको। और ये यहाँ का वॉशरूम है, एंड गर्म पानी वगैरह सब अच्छे से आता है इसमें। रूम काफी सही है यार, काफी स्पेशियस है। और बाहर का भी दिखाता हूँ अभी आपको यहाँ से, तो कुछ इस तरीके का नजारा है बाहर से। यहाँ इस हॉस्टल में 10 बेड डोम भी है, जहां पे कि 10 बेड्स लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो अगर आप एक ग्रुप हैं काफ़ी बड़ा या फ्रेंड सर्कल हैं, और अकेले भी आप इधर स्टे कर सकते हैं। एंड कंपैरेटिवली 6 बेड और 4 बेड के अकॉर्डिंग यहाँ का जो स्टे है उसके जो चार्जेस हैं बहुत कम है, तो आप इनकी वेबसाइट्स पे आके चेक कर सकते हैं। तो जो 10 बेड है वो कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पे 10 बेड्स लगा रखे हैं एक के बाद एक, और 2 वॉशरूम हैं इसमें। तो वॉशरूम का इतना कोई इशू नहीं है, अगर क्योंकि लोग ज़्यादा हैं तो इसलिए वॉशरूम्स 2 रखे हैं यहाँ पे। एक बार वॉशरूम भी दिखा देता हूँ, तो वॉशरूम भी काफी सही है। एंड यहाँ पे ये लॉकर्स दे रखे हैं, आप अपना सामान यहाँ पे रख के बाहर घूमने जा सकते हो। और यहाँ से भी व्यू अच्छा है बाहर का, सेम व्यू मिलेगा आपको जो ऊपर के फ्लोर से मिलता है। यहाँ नीचे बॉनफायर होती है, तो भाई उसी के लिए लकड़ी काट रहे हैं। तो जो 4 बेड रूम है वो भी 6 बेड की तरह ही है, इट्स वेरी सिमिलर, बस उसमें 4 बेड और 6 थे। एंड अभी आपको प्राइवेट रूम भी दिखा देता हूँ यहाँ का। तो ये है यहाँ का प्राइवेट रूम, बहुत ही सुंदर तरीके से सजा रखा है। और यहाँ पे आपको ये कुछ एमिनिटीज मिल जाएंगी, कैटल है, ये पता नहीं क्या है, बैग रखने के लिए शायद एक केस दे रखा है, ये वॉशरूम है। और यहाँ से सामने अगेन विंडो दे रखी है, तो बाहर से आप व्यू देख सकते हैं। क्या आप में कीड़ा है? कीड़ा कहता मैं पढ़ने का। तो ये जगह आपके लिए, इस हॉस्टल में एक छोटी सी लाइब्रेरी भी है,
एंड अगर आपको बुक्स पढ़ना पसंद है तो यहाँ बैठ के आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं बुक्स पढ़ते हुए, और सामने का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ से सामने का व्यू कुछ ऐसा दिखता है। आपने मल्टी लेवल मार्केटिंग सुनी होगी। ये मल्टी लेवल चंपी देखिए आप, इसे बोलते हैं मल्टी लेवल चंपी। ये है इस हॉस्टल का कॉमन एरिया, और यहाँ पे अगर आप जल्दी आ जाते हैं मॉर्निंग में चेक इन से पहले, तो इधर आके आप रेस्ट कर सकते हो या फिर ऐसे झूला झूल सकते हो जैसा कि मैं झूल रहा हूँ। एंड मेरे पीछे एक कैफे है, खाना बहुत अच्छा मिलता है इधर, बट थोड़ा सा कॉस्टली है क्योंकि ये थोड़ा ऊपर है ना हॉस्टल, तो नीचे से ऊपर लाने में चीज़ें थोड़ी महंगी हो जाती हैं। सिर्फ इसी हॉस्टल की बात नहीं कर रहा हूँ, आप कहीं भी किसी भी हाइट पे अगर जाते हो तो वहाँ पे थोड़ा है ना सामान महंगा मिलता ही है, बट खाना अच्छा है यहाँ पे। और दूसरी बात, मैंने आपको इससे पहले वाले ब्लॉग में बताया होगा कि मैं कैसे इतना ट्रैवल कर रहा हूँ और काम भी कर रहा हूँ साथ के साथ, तो मेरे जो लॉग इन आर्ट्स हैं ऑफिस के जो आर्ट्स हैं वो थोड़ा लेट स्टार्ट होते हैं, तो मैं मॉर्निंग में जल्दी उठता हूँ और घूमने के लिए निकल जाता हूँ एंड वापस आके अपना काम स्टार्ट कर देता था। एंड यही कॉमन एरिया में बैठ के अपना ऑफिस का काम किया करता था, कुछ इस तरह से, कभी यहाँ कभी यहाँ तो कभी यहाँ। तो ये था इस हॉस्टल का एक छोटा सा टूर, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और यहाँ पे मौसम इतना जल्दी चेंज होता है, अभी थोड़ी देर पहले धूप थी और अभी देखो बादल हो गए हैं एंड शायद बारिश भी आ सकती है, तो आप इधर आइए और बढ़िया से नज़ारों का आनंद लीजिए। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ एंड मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नए शहर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना अपने परिवार का, गुड बाय।